सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों इस चैनल पर प्रत्येक वीडियो में आपको नई मेडिसिन के लिए हर वीडियो लेके आता हूं, लेकिन यह जो वीडियो लेके आया हूं मैं ग्रुप ऑफ मेडिसिन के लेके आया हूं, बिल्कुल मैं नई पहल करी है जो कि स्टेरॉइड ग्रुप के लिए बना रहा हूं। मुझे कई बार पूछा भी गया है सर स्टेरॉइड क्या होते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेरॉइड क्या होते हैं, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, नेचुरल स्टेरॉइड कौन कौन से हैं, कौन से कृत्रिम स्टेरॉइड है, साथ ही फीमेल्स और जो मेल्स हैं इनके अलग अलग स्टेरॉइड कौन से प्रयोग लिए जाते हैं, क्या यूज़ इसके होते हैं, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन से साइड इफेक्ट होते हैं ज़्यादा लंबे समय तक स्टेरॉइड प्रयोग लेने से, जो कि मोटे तौर पे क्लासिफिकेशन करके मैंने बताया है। और दोस्तों ये मेरी नई पहल है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मुझे आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कितना पसंद आया है, और यदि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, ऐसे वीडियो आप फ्यूचर में भी चाहते हैं, जैसे कि मैं एंटीबायोटिक्स का वीडियो अलग से बनाऊं, सेफलोस्पोरिन पेनिसिलिन का, साथ ही एड्रेनर्जिक का, कोई भी दूसरे क्लासिफिकेशन ग्रुप ऑफ मेडिसिन का वीडियो बनाऊं, तो इस जो वीडियो है उसको दो दिन में आप 1000 लाइक अगर पहुंचा देते हैं तो मैं अगली कोशिश जरूर करूंगा जो नया ग्रुप है उसके लिए मैं वीडियो बनाऊं, और यदि ऐसा नहीं होता तो मुझे इसको यहीं पे रोकना पड़ेगा, इस सीरीज को यहीं रोकना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं तो जरूर से इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, 1000 लाइक दो दिन में पहुंचा दे, जिससे कि आगे मैं वीडियो आपके ला सकूं। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। स्टेरॉइड एक बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन तथा फंगई इन सभी में पाया जाता है, साथ ही ये इन्हीं की कोशिकाओं जो सेल्स होती है उनके द्वारा निर्मित किया जाता है। स्टेरॉइड को हम स्टेरॉइड हार्मोन्स भी कहते हैं, और जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है हमारी बॉडी में कई प्रकार के कार्य है, जैसे कि इम्यून फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, वाटर साल्ट बैलेंस, बॉडी इन्फ्लामेशन, साथ ही जेंडर के साथ बॉडी ग्रोथ और सेक्सुअल ग्रोथ को नियंत्रित करता है और कंट्रोल करता है। जो स्टेरॉइड है कई अलग अलग प्रकार के भागों में बांटा गया है। बेसिकली इसको दो आधार पर बांटा गया है, पहला तो इसके कार्य करने के आधार पर, और दूसरा जो बांटा गया है इसकी संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इसके कार्य के आधार पर जो इसका क्लासिफिकेशन है, जो टाइप्स है उसको जानेंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल, जो संरचनात्मक इसका क्लासिफिकेशन है वो हमारे कुछ काम का नहीं है। जो इसका कार्य आधारित क्लासिफिकेशन है उसको, जैसे कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, पहला कॉर्टिकॉइड्स, दूसरा है सेक्स स्टेरॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, जिसे हम कोर्टिसोल भी कहते हैं, और इसके अगर बेसिक वर्क की बात करें, वैसे तो जो कार्य है उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बेसिक वर्क है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का वो है इम्यूनोसप्रेशंस के रूप के। और इसके अलावा जो कोर्टिकॉइड्स का दूसरा टाइप है वो है मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, इसे हम एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं, और इसका जो बेसिक वर्क है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना तथा जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है बॉडी में उसको बनाए रखना। और इसके अलावा दूसरे अगर क्लासिफिकेशन की तरफ फर्दर बढ़े तो जो सेक्स स्टेरॉइड्स है उसमें तीन प्रकार के अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे प्रोजेस्टेजेंस, एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस। प्रोजेस्टोजेंस में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो है, और इसका जो कार्य है फीमेल्स में जो यूटेरस की एंड्रोमेट्रियम चेंजेस होते हैं उसको मेंटेन करना, साथ ही प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। इसके अलावा जो दूसरा हमने बात की थी एंड्रोजेंस, इसके अंतर्गत पुरुष हार्मोन आता है जो कि टेस्टोस्टेरोन है। यह जो पुरुषों में सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि पुरुषों के जननांगों की ग्रोथ करना, उनमें भारी आवाज़, मांसपेशियों को सख्त बनाना, इस तरह के कार्य को डेवलप करता है तथा मेंटेन करता है। इसके अलावा तीसरा जो है वो एस्ट्रोजन है, जिसे हम एस्ट्रेड्यूल भी कहते हैं, जो कि महिलाओं का हार्मोन है, और महिलाओं में सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक जो होते हैं, जो जैसे महिलाओं में आवाज़ का पतला होना, उनके जेनिटल्स का ग्रोथ रहना, इनको निर्धारित करता है और इसे डेवलप तथा मेंटेन भी करता है। और ये इसके कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स है। इसके अलावा भी एक विटामिन D3 का कुछ फॉर्म्स है उसको भी स्टेरॉइड हार्मोन के अंतर्गत रखा गया है, जैसा कि इर्गो कैल्सिफेरोल, कोले कैल्सिफेरोल तथा कैल्सिट्रायल, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन के अंतर्गत रखे गए हैं। और जो ये सभी हार्मोन्स हैं हमारे शरीर में जेंडर के अनुसार होते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिस्थिति होने के कारण ये हमारी बॉडी में प्रॉपर रूप से नहीं बन पाते या किसी कारण से इसकी कमी होने लग जाती, और उसी कारण से हमारे शरीर में कई सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो उस समय इसे कृत्रिम रूप से जो सिंथेटिक स्टेरॉइड्स होते हैं उन्हें बॉडी में डॉक्टर द्वारा बाहर से दिया जाता है, जैसे कि टेबलेट फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म या सस्पेंशन फॉर्म में।
तो हम जान लेते हैं दोस्तों कौन से स्टेरॉइड है जो सिंथेटिक स्टेरॉइड है जो कृत्रिम स्टेरॉइड है। दोस्तों यहाँ रुके एक मैं बात कहना चाहूँगा, हो सकता है आप में से कोई डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा कर रखी हो या कोई मेडिकल स्टूडेंट हो या कोई वह व्यक्ति हो जो स्टेरॉइड के बारे में थोड़ा बहुत पहले जानता है या उसने कहीं पढ़ रखा हो, तो उसे ये वीडियो हो सकता है कुछ अजीब सा लगे, क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की, जिस कारण से जो सामान्य व्यक्ति है जो साधारण व्यक्ति है जिसको स्टेरॉइड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता ना ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में पता है, तो उसको पता चल सके कि स्टेरॉइड क्या है, क्या हमारी बॉडी में काम करता है और किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में बना रहा हूँ जिससे कि सभी को यह समझ में आ सके। दोस्तों इसके सिंथेटिक जो स्टेरॉइड है उसके अगर क्लासिफिकेशन की ओर बढ़े तो उसमें आप देख पा रहे हैं जैसा इस स्लाइड में, वैसे तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं दिया, जो मेनली यूज लिए जाते हैं उसका मैंने बताया है। यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें एक्लोमेथासोन, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोन, कोर्टिसोन, ट्राइएम्सिनोलोन ये कुछ प्रमुख स्टेरॉइड है जो सिंथेटिक स्टेरॉइड है। इसके अलावा जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है जिसमें फ्लूडोकॉर्टिसोन, एंड्रोजन जो कि पुरुषों का हार्मोन है, इसमें एनाबोलिक एंड्रोजन स्टेरॉइड भी कहते हैं और एनाबोलिक स्टेरॉइड भी कहते हैं, जिसमें जो मुख्यतः प्रयोग लिए जाने वाले हैं नैंड्रोलोन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्साबोलोन और ऑक्सैंड्रोलोन, ये कुछ प्रमुख है जो सिंथेटिक स्टेरॉइड है। इनके अलावा जो महिलाओं में प्रयोग लिए जाने वाले स्टेरॉइड है जो कि प्रोजेस्टिन्स है, उसमें नॉर्थेस्टेरोन, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन ये खुश मैंने मुख्य मुख्य जो प्रयोग लिए जा रहे हैं वो बताए हैं, और इनके अलावा भी कई सारे कृत्रिम स्टेरॉइड बनाए जाते जो कि हमें आवश्यकता होने पर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन रहा जो नेचुरल हमारी बॉडी में रहते हैं और जो सिंथेटिक होते हैं दोनों प्रकार से। अब जान लेते हैं इनके यूज़ को थोड़े विस्तार से, क्या क्या प्रकार के बीमारियों में किस कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस का सामना करना पड़ा हो, एलर्जी कोई कंडीशन हो गई हो, उस समय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाते हैं। बॉडी में कोई प्रकार का इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है तब भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाएंगे, साथ ही इम्यून डिसऑर्डर अगर किसी व्यक्ति को हो, साथ ही अस्थमा जो है उसमें भी सेकेंड लाइन थेरेपी के रूप में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाते हैं। अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स स्टेरॉइड्स की बात की जाए तो यह हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने तथा जो साल्ट और जो इलेक्ट्रोलाइट है इन दोनों का बैलेंस करने का मुख्य कार्य करते हैं। इनके अलावा कुछ पर्टिकुलर स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जो कि जेंडर के आधार पर बॉडी में रहते हैं, जैसे कि पुरुषों में बात की जाए तो एंड्रोजन स्टेरॉइड हार्मोन और महिलाओं में प्रोजेस्टिन तथा एस्ट्रोजन रहता है। एंड्रोजन उस समय दिया जाता है जब व्यक्ति को मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए, मसल्स में ग्रोथ एक्स्ट्रा चाहिए होती है, जब आवाज़ को भारी करना होता है, उसके अलावा भी कई सारी अलग अलग समस्याओं में इसको यूज़ लिया जाता है। और महिलाओं में जब प्रोजेस्टिन है वो यूटेरस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको ठीक करने के लिए, साथ ही प्रेगनेंसी में हेल्प करने के लिए दिया जाता है। और जो एस्ट्रोजेंस है महिलाओं में जब एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लग जाती है या उनकी आवाज़ भारी हो जाती है और भी कई सारे कारण जो कि सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनको नॉर्मल करने के लिए यह हार्मोन्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से इसके यूज होता है जो मैंने मुख्य बताए। वैसे तो पर्टिकुलर जो स्टेरॉइड होता है उनका खुद का कई सारे यूज़ होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो यूज़ लिए जाते हैं मोटे मोटे तौर पर जो मैंने आपको बता दिए। अब यूज जानने के बाद बढ़ लेते हैं इसके साइड इफेक्ट तरफ, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं जब इसको यूज लिया जाता है। जैसा कि आप स्किन पे देख ही पा रहे हैं जो मुख्य रूप से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साइड इफेक्ट्स है उसमें यदि किसी व्यक्ति को अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो सबसे पहले उसको हाइपरग्लाइसीमिया मतलब डायबिटीज मधुमेह होने का खतरा रहता है, साथ ही हड्डियों में कमजोरी आना, वजन का व्यक्ति में बढ़ जाना, याददाश्त में कुछ कमी हो सकती है, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा उसको उत्तेजना हो सकती है, एक्साइटमेंट जिसे हम साइकेटिक बीमारी भी कहते हैं, यूफोरिया तथा साइकोसिस, ये भी समस्या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा लेने पर करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो हर वीडियो में आपको बताया स्टेरॉइड के स्किन संबंधी बहुत ज़्यादा समस्या करता है, मतलब स्किन आपकी लटक जाएगी, आपका पफी फेस हो जाएगा, थोड़ी सी भी खींचने पर कट हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है, ये कुछ प्रॉब्लम आपको होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के लंबे यूज़ के बाद में। और साथ ही अगर महिलाओं में बात की जाए तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है इरेगुलर रहता है लंबे समय तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेने पर, ये सब भी इसके साइड इफेक्ट हैं। और अगर एनाबोलिक स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसमें जो व्यक्ति की स्किन है उस पर एक्ने हो जाएंगे, मतलब कील मुहासे हो जाएंगे, स्किन जो है ऑयली रहेगी, हेयर भी ऑयली रहेंगे, बाल उड़ सकते हैं, मतलब हेयर लॉस हो सकता है, साथ ही मूड में काफ़ी चेंजेस होना, एल्टर्ड मूड रहना, इरिटेबिलिटी रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, अवसाद में चले जाना, कई बार सुसाइडल थॉट्स भी व्यक्ति को आ सकते हैं, और ज़्यादा समय तक एनाबोलिक स्टेरॉइड लेने पर ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है,
और पुरुषों में एक मुख्य समस्या आती है जो कि फीमेल्स की तरह उनकी ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाना और जो टेस्टिकल्स है जो वृषण है उनका साइज छोटा हो जाना। और इसके अलावा बांझपन पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखा गया है। महिलाओं में चेहरे पे बाल उगना जिसे हम हिर्सुटिज्म भी बोलते हैं ये भी एक इसकी मुख्य साइड इफेक्ट है। और जो महिलाएं और पुरुष हैं दोनों ही जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाते हैं, उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट देखा गया है। तो काफ़ी मैंने डिटेल में इन दोनों के साइड इफेक्ट बताएं। यदि ऐसी कोई समस्या आपको स्टेरॉइड लेते समय लगे तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, जिससे कि स्टेरॉइड की जो क्वांटिटी आपको कम कर सके और आपको पूरा ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने स्टेरॉइड और स्टेरॉइड हार्मोन जिसे हम कहते हैं इसके बारे में बताई, ये बिल्कुल नया वीडियो था। और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दो, जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाए जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले वीडियो देख पाएं। आप तो अपने दोस्त मोहित आदि से देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।